दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एससी एनडीबीसी। दोस्तों आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुस्लिम भाइयों का जो त्यौहार था उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बारी आती है दोस्तों कि ये तो हो गया त्यौहार, तो त्यौहार सबका अच्छे से मने। और इस त्यौहार में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पोल्ट्री से रिलेटेड जितने भी बंदे थे, जिन्होंने चूजे डाल रखे थे, उनकी होली तो बहुत ही अच्छी गई फिलहाल, क्योंकि रेट काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिला और काफ़ी अच्छे से उनका मुर्गा बिका और काफ़ी अच्छी बचत हुई दोस्तों। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का कमेंट है और फोन कॉल्स भी आते हैं कि सर दवाएं एक से लेके 40 दिनों तक कैसे लगाएं, इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाइए आप। तो आज उसी के लिए दोस्तों मैंने वीडियो बनाने के लिए मैं सोच रहा हूँ, तो इसमें ए टू जेड चीज़ें बताऊँगा दोस्तों, आप लोगों को बारीकियाँ बताऊँगा कि कब से कब तक लगानी है, कितने मात्रा में लगानी है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन दोस्तों इसमें टोटली जो ब्रायलर की दवा होती है सिर्फ वही चलने वाला है, ना कि इसमें देसी नुस्खा या अदर दवाएं, वो नहीं मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब शुरुआत में चूजा आता है ना, तो उस दिन आपको लगाना होता है गुड़ और मीठा सोडा जो भी हो वो लगा दीजिए शुरुआत में, जैसे ही चूजा आपके फार्म में पहुंचता है। इसके बाद आपको कोई ना कोई दोस्तों, जैसे नीरी हो गया या नेफ्रो केयर हो गया, ये सारी चीजें लगानी होती हैं। ये चलेगा जो गुड़ चलेगा दोस्तों, 1000 पे 1 किलो गुड़ चलता है, और नीरी जो होती है दोस्तों ये 100 ml 1000 चूजे पे चलती है, 100 ml 1000 चूजे पे। सुबह में दोस्तों नीरी चलाना है या नेफ्रोटेक या नेफ्रो केयर, और शाम के पानी में आप लोगों को बिमराल चलाना है दोस्तों। जैसे बिमराल कितना चलेगा, यानी 5 ग्राम 5 ml 100 चूजे पे, 5 ml 100 चूजे पे। तो इस तरह से आप लोगों को इन दवाओं को पहले सप्ताह में चलाना है। इसके बाद दोस्तों पहले सप्ताह में ही एक दवा और आती है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इधर ना गेहूं फसल की कटाई शुरू हो जाएगी, और जब गेहूं की कटाई होती है दोस्तों तो डस्ट जो है बहुत ज्यादा उड़ता है इन्वायरमेंट में, वो फैल जाता है डस्ट। अब जब इन्वायरमेंट में डस्ट फैल जाता है दोस्तों, तो होता यह है कि आप कितना भी सेफ्टी रखें लेकिन आपके फार्म के अंदर धूल मिट्टी गर्दा जाता ही जाता है, जिसके कारण से दोस्तों आपके चूजे में पकड़ना शुरू कर देता है CRD। तो इसके लिए आप लोगों को समय रहते दोस्तों ट्रॉक्स पहले सप्ताह में, अंतिम दिन में यानी 8वें दिन 7वें दिन दोस्तों आप लोगों को ट्रॉक्स जरूर देना है। ट्रॉक्स दवा ऐसी होती है दोस्तों कि इसको जब देते हैं आप, तो CRD का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को देनी होती है वैक्सीन। वैक्सीन देने के बाद में दोस्तों लसोटा की जो वैक्सीन होती है, ये वैक्सीन देना होता है। इसके बाद आप फिर निकलिए दूसरे सप्ताह में आ जाइए। दूसरे सप्ताह में आपको फिर से एक बार पुनः बिमराल दे देना होता है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों कि 12 से 14 दिन वाली, यानी पहला सप्ताह तो आपका निकल गया, दूसरे सप्ताह में फिर से आपको बिमराल चलाना होगा। बिमराल बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये बिमराल होता क्या है दोस्तों, ये मल्टी विटामिन होता है पूरी तरीके से, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए मुर्गे को वो भर भर के होते हैं, भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे आपके मुर्गे में इम्यूनिटी सिस्टम ग्रो रहता है, जिसके कारण से आपके मुर्गे में ना तो ज़्यादा डिजीज आती है और ना ही मुर्गा कभी आप देखते हैं कि कम ग्रोथ करता है, यानी वेरिएशन भी नहीं रहता है और उसके साथ में अच्छा खासा ग्रोथ भी करता है। तो बिमराल सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। फिर 12 से 14 दिन के बीच में दोस्तों IVD लगना ही होता है, IVD जो कि कंपलसरी है।
गर्मी के पीरियड में तो IVD लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ये वैक्सीन होती है जो कि आप शाम के पानी में, जब मौसम ठंडा हो जाए तब आप जो पाउडर वाला दूध आता है इसमें मिला करके आप लोग IVD देते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना होता है कि आप लोग को एंटीबायोटिक जो होती है उसका एक डोज हल्का सा दे देना होता है मुर्गे को, जिससे कि मुर्गे में CRD, कभी कभी ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक ये जो वैक्सीन होती है वैक्सीन के वजह से भी CRD आ जाती है, तो वो ना हो पाए। इसके बाद दोस्तों आता है बारी 15 से 19 दिन, मतलब पहले आपका निकला 12 से 14 दिन में IVD देना है, इसके बाद 15 से 19 दिन ये उस सिचुएशन में अप्लाई करना है दोस्तों जब आपके मुर्गे में कोई डिजीज ना आ जाए। और जब आप इस तरह से दवाओं का प्रोटोकॉल अपनाएंगे तो डिजीज आएगी ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। अगर कहीं हैचरी फॉल्ट नहीं है चूजे में, या मन के चलिए क्लाइमेट के वजह से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक दवा आता है दोस्तों, एक बीटा ग्रो करके एक दवा आती है, जिसको अगर आप चाहें, अगर आपको दिख रहा हो लग रहा हो तो आप बीटा ग्रो भी चला सकते हैं दूसरे सप्ताह में। ये जो बीटा ग्रो चलता है दोस्तों, ये 10 ml 100 चूजे पे, 10 ml 100 चूजे पे, यानी 1000 मुर्गे पे 100 ml चलेगा बीटा ग्रो। फिर दोस्तों आती है बारी 20वें दिन की, यानी 15 से 19 दिन में आप लोगों को कैल्गोफास अगर मिल जाए तो वो चला दीजिए और बीटा ग्रो चला दीजिए। इसके बाद में 20वें दिन दोस्तों आप लोगों को जो बारी आती है फिर से एक बार मल्टीविटामिन देने की। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें आप बेमराल दे सकते हैं, या आपके पास EKRC हो उसको दे सकते हैं, या आप अगर ये सब नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को A2Z सिरप हर एक मेडिकल शॉप पे उपलब्ध रहती है, उसको चला दीजिए। फिर 21वें दिन, 20वें दिन जब आप ये देंगे दोस्तों, तो सुबह में 21वें दिन सुबह में आप बिमराल दे दीजिए, और शाम में, क्योंकि 20 और 21 दो दिन देना होता है, तो सुबह में आप बेमराल दे दीजिए और शाम के पानी में आप ट्रॉक्स फिर से एक बार दे दीजिए, क्योंकि दोस्तों ट्रॉक्स बहुत ही कंपलसरी है, तो ट्रॉक्स दे दीजिए। फिर बारी आती है 22वें दिन पे, तो फिर से बेमराल दे दीजिए, या आपके पास जो भी मल्टीविटामिन हो उसको दे दीजिए, तो आपका 3 डोज जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये बात है 22वें दिन की। अब इसके बाद दोस्तों बारी आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट, यानी जहां से आपका जब 20वां दिन निकलता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि मुर्गे की जो फीड इनटेक है दोस्तों, फीडिंग दर है, वो बढ़ने लगती है। जब वो बढ़ने लगेगी तब आप लोगों को दोस्तों देना होता है क्या, चाहे जो भी लीवर टॉनिक, अच्छी लीवर टॉनिक हो उसको आपको कंटिन्यू चलाना शुरू कर देना है। ये लीवर टॉनिक जो होता है दोस्तों, ये कैसे चलेगा, ये चलेगा आपका 1000 मुर्गे पे 100 ml, 1000 मुर्गे पे 100 ml से 200 ml। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 ml ही लगाएं, कभी कभी आप 200 ml भी लगा सकते हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, तो आप इसको चलाते रहें। फिर ये जो मान लीजिए कि जो भी है आपका लीवर टॉनिक, वो तो आपका कंटिन्यू चलाना है, 3 दिन दीजिए 2 दिन ब्रेक कर दीजिए, 3 दिन दीजिए 2 दिन ब्रेक कर दीजिए, इस तरह से आपको देते रहना है। लास्ट में दोस्तों जैसे कि अंतिम दिन जब चलता है, यानी मुर्गे का जब 30 दिन के ऊपर, 33 दिन के ऊपर जब देखते होंगे आप लोग कि यार मुर्गा साइड में जाके बैठता है और पलट के मोर्टेलिटी हो जाती है, ऐसे सिचुएशन में दोस्तों एक दवा आती है कार्निफोर्सिल करके एक दवा आती है, जिस दवा का आप लोग यूज करिए। तो कार्निफोर्सिल एक ऐसी दवा है दोस्तों, ये बिरबैक कंपनी की है, इसको अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि मुर्गे में जो साइड में जाके मरने की या पलट के मरने की ये सारी जो समस्या थी ये नहीं रहेगी।
दोस्तों ब्रोटोन जो है आपका कंटिन्यू चलेगा, बीच में आप ब्रेक कर सकते हो एक दो दिन, या जो भी लिवर टॉनिक हो, ली 52 हो गया आपका, लिबोटॉल हो गया, हेप्टोकेयर हो गया, ये सारी जितने भी लिवर टॉनिक है ये कंटिन्यू चलेंगे। हाँ, अगर आप इस तरह से आप प्रोटोकॉल का यूज करते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपके मुर्गे में बीमारी नहीं आएगी, और बीमारी नहीं आएगी तो आपका मुर्गा अच्छे से ग्रोथ करेगा। बस बारी एक चीज की होती है दोस्तों, कि आप लोगों को एक चीज ध्यान देना होता है, वो क्या है कि बीच में आपको अगर आपकी फीड बेहतर है, आपने अच्छी क्वालिटी का फीड लिया है, तो ये भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अक्सर करके एक दिक्कत आती है दोस्तों कि बीट पतली करने की, तो जो बीट पतली होने लगता है मुर्गे में, इसके लिए भाइयों आप लोग बीच में ध्यान रखिए कि अगर कभी भी बीट खराब होती है या चॉकलेटी होती है या पतली आती है या अनडाइजेस्ट निकलता है फीड, तो उसके लिए कई दवाएं हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि इंडोसिट हो गई, अगर पतली बीट कर रहा है तो इंडोसिट चला दीजिए या ओरिप्रिम बेट पाउडर चला दीजिए। और अगर दोस्तों इस तरह से नहीं होता है, आप मान लीजिए चॉकलेटी बीट है, चॉकलेटी बीट पे आप लोगों को जो आपकी दवा आती है, जैसे सुपर कॉक्स हो गया या एम्प्रोलियम हो गया, इसको चलाना है। एम्प्रोलियम जो होता है दोस्तों, ये पाउडर फॉर्म में होता है, आधा केजी एम्प्रोलियम 10 क्विंटल फीड में, यानी 1 टन फीड में आपका चलता है। और हाँ, शुरुआत में दोस्तों मैंने एक चीज छोड़ दिया है, वो एक्चुअली भूल गया मैं, शुरुआत में आपको एंटीबायोटिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुरुआत में गर्मी के पीरियड में आप लोगों को एंटीबायोटिक देना सबसे ज्यादा अति आवश्यक है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।